बांदीकुई से पवन कुमार सोनी की रिपोर्ट के अनुसार बांदीकुई भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल बिवाई ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के अपने राजनीतिक दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनकी गाड़ी रोककर उन पर पत्थरों से हमला किया, उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर हुए इस तरीके के हमले को निश्चित तौर पर एक अधम घटना माना जाता है। हर भाजपा कार्यकर्ता इस कायराना हमले का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। मंडल का अध्यक्ष सुरेश सैनी आभानेरी ने बताया कि यदि दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन होगा जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा। विस्तारक दिनेश जोशी आगावाली ने कहा कि रीट परीक्षा की निष्पक्ष जांच को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया जिला संयोजक नरेश शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट श्याम अग्रवाल, ओबीसी मोर्चा बड़ीहाला कला मंडल के अध्यक्ष सीताराम नूरपुर, बसवा मंडल मंत्री मुकेश मीणा, वड़ियाल कला मंडल महामंत्री त्रिलोक तिवारी, शांति स्वरूप तिवारी, एसटी मोर्चा कोषाध्यक्ष घनश्याम मीणा, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।